चल लग दिया अरे फोकस नहीं हो रहा मेरा कैमरा अच्छा वापस बाहर आ जा कुतुब मैम मैम वेट वेट थैंक यू मैम ना साथ में
अब वो तो फिर टुगेदर में सेंटर प्लीज काजल मैन सेंटर काजल मैन सेंटर मैन सेंटर अरे नमस्ते, कैसे हैं सब? यहाँ पे पहले एक मिनट कर लूँ ये गाइस। हाँ जी, यस। आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है ना, वो अपने से भी दो कदम आगे है। सो आई थिंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे दो कदम आगे ही निकलेगा, जो भी निकलेगा। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कम्प्लीटली इज, जो मैं आजकल का ट्रेंड देखती हूँ ना, एवरीवन इज एक्सट्रीमली कम्पेटिटिव। सब अपने से बेहतर करना चाहते हैं, दे आर देयर ओन कॉम्पिटिशन। सो आई एम ट्राइंग टू सी द बेस्ट वर्जन ऑफ एवरीबडी राइट हियर। हाँ, मैं मिसिंग इन एक्शन हो गई थी। आई वॉज इन लंडन फॉर 3 मंथ्स, तो मुझे वापस आए बस थोड़े ही दिन हुए हैं। सो नाउ आई एम बैक इन द गेम। बट शूटिंग अपनी जगह ज़रूरी है, तो हम 3 महीने के लिए छुट्टी तो नहीं मना रहे थे, काम कर रहे थे। हाँ जी, पागलपंती। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाउसफुल 4 मैंने अभी 2 हफ्ते पहले कंप्लीट करी है। पागलपंती इज़ अबाउट 70% कम्प्लीटेड। चेहरे में अभी मेरा काफ़ी काम बाकी है, जो हम लोग अगस्त से दोबारा शुरू करेंगे। बारिशों के वजह से वी विल नॉट बी शूटिंग नाउ। हम लोग मिड अगस्त या एंड अगस्त से दोबारा लास्ट शेड्यूल करेंगे। हाँ जी, मेरा पहला दिन शूट उन्हीं के साथ का था, एंड इट वॉज एब्सोल्यूटली अमेजिंग। मैं आपको बता नहीं सकती इन वर्ड्स दैट हाउ आई फेल्ट। जब मेरा मेरी कॉल शीट आई थी पहली, उधर जब लिखा हुआ था मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस कृति खरबंदा, मिस अनु कपूर, मिस रिया, मिस सिद्धांत, लाइक सबके नाम लिखे हुए थे। एंड आई सेंट द स्क्रीनशॉट टू माई मदर। आई एम लाइक, माँ मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा नाम इनके साथ लिखा जा रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो या, दैट वॉज द एक्सपीरियंस। और जो पहला शॉट मैंने देखा, पहला फ्रेम है, वो दो वाज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, आउटस्टैंडिंग, द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। हाँ जी, जी हाँ, बहुत ज़्यादा। आई लव प्रैक्टिसिंग योगा, इट्स समथिंग दैट आई इन्जॉय। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। मैंने, आई थिंक मेरा एक्साइटमेंट योगा की तरफ तब बढ़ा था, मैंने स्टार्टेड डूइंग माई हेड स्टैंड एंड हैंड स्टैंड एंड ऑल, क्योंकि आई थिंक इट्स अ मोर एक्साइटिंग थिंग टू डू। बट जब से मैंने योगा शुरू करा है, रियलाइज आई ब्रीथ बेटर, आई फील बेटर, एंड आई एम अ लॉट मोर फ्लेक्सिबल देन आई यूज टू बी। या आज बहुत अपने घर वाली फीलिंग आ रही है। आई नो एवरी वन इन साइड, देर ऑल फ्रेंड्स, सो हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन मैं सबसे बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं और फोकस तो नहीं हुई ना फोटो के अंदर, जस्ट चेकिंग। हाँ, हाय हाय, हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम क्राइंग, इट वॉज अ वेरी रश्ड अप गेटिंग रेडी। आई हैवंट इवन सीन माय सेल्फ इन मिरर राइट नाउ, हाउ इज द होल थिंग लुकिंग? नो, आई वाज कमिंग फ्रॉम सम अदर इवेंट टू हियर।
But yes, I'm wearing Bloni and it's our house. Yeah, like some drama for GQ. In the industry, I think presently, se zyada, I feel the people who were there in yesteryear, they had unique styles. Be it Rekha Ji or be it Mr. Bachchan, I think they all had a very unique style which we remembered them for. So I think that is what comes to my mind when talk about style. Otherwise, for me, apart from industry, if you ask me, I really love Kate Middleton's style and sense of fashion. So yeah. अभी भी नहीं आया एक्चुअली अभी भी नहीं आया इतना समझ में आ गया स्टाइल को ऑन करो तो फैशन बन जाता है भाई मुझे पता था ये याद में आई एम 100% श्योर आई वाज फियरिंग बी हियर आया वो आई यस्टरडे व्हेन आई हैड अ फुल डोज ऑफ ये जाने नहीं दे रहे ठीक है लेट इट काउंट आई विल डू सम काइंड ऑफ ड्रामेटिक्स I was trying to see कि कभी मैं जल्दी से उसके आने से पहले निकल जाऊं but no उसने कहीं और धावा बोल दिया he's gonna put Bappi Da to shame today he is gonna किसी और आज ये आर्मर पहन के आया है ये अरे वो वहां खड़ा है मैं चली जाती हूँ यार बात करके उन लोगों का किन लोगों का ही नहीं इंटरनल ओह या गुड ना थैंक गॉड That's what I said, but they wanted Ranveer to come. So there's some drama is created. Like इनको एक जने के drama से पानी पी लूँ मैं तब तक. बड़ा जबरदस्त इस टाइप का तो हम सब चश्मे पहनने के लिए उसको बोलते हैं चश्मे पहनेंगे आज रणवीर की बारी है. Next, I have a South release, and then after that, I have Mission Mangal, then Santia. I do South at least once. That you like? That I like. I can't leave that. Yeah, it's like a gratitude. I'll keep that, and then, uske baad Mission Mangal, uske baad Santia. हाँ आगे मैं कहा उनको बंगाली के साथ मेरी कुछ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कनेक्शन हो गया स्टार्टेड लाइकिंग मी सो इट हैज बीन नाइस I think that is what has saved me, made me till now, the vibes of people.